एम्बुलेंस व स्वाट टीम ने नाटकीय ढंग से गायब हुए छात्र को 24 घंटे में बरामद कर लिया है। ललितपुर के महरोनी से दो दिन पहले छात्र लापता हुआ था, जिसका खुलासा करते हुए छात्र को ले जाने वाले दो आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। ललितपुर जिले के कस्बा महरोनी में एक व्यापारी का पुत्र दो दिन से अचानक लापता हो गया था, जिसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इस मामले को थाना पुलिस कोतवाली में दर्ज कराया गया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया। बरामद छात्र ने बताया कि उसे महरोनी के ही शिवम जैन उर्फ सुलभ जैन और विनय सैन उर्फ भूषण सैन बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। चूंकि उपहार एक समृद्ध व्यापारी का बेटा है, दोनों ने उसे घर से पैसे लेकर आने को कहा और मौज मस्ती करने के बाद कहकर अपने साथ भोपाल से शिवनी मौज मस्ती के लिए ले गए। फिलहाल ललितपुर पुलिस की मुहिम रंग लाई और उपहार जैन को सकुशल बरामद कर लिया है। उपहार के मिलने की खबर के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM वेग ने दोनों अभियुक्त शिवम और विनय सैन के पास से 55,000 रुपए भी बरामद किए हैं और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। नाबालिग बच्चा है 14 साल का, आप देख रहे हैं, इसको वरगला के, इसको फुसला के, कुछ ऐसा प्रलोभन दे के कि हम ऐश करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, इस तरह की बात, जिससे कि बच्चा उनके वरगलाने में आ गया, जानने वाला था, इसलिए उनके कहने में आगे बढ़ता चला गया, साथ में परिवार का पैसा भी ले गया। तो इस तरह की हरकत करके इसका उपयोग करना था, मिसयूज करना था और अपना हित सिद्ध करना था। कुल मिला के आगे ये भी था अपहरण की इनकी प्लानिंग थी या कुछ पैसे वैसे मांगने की प्लानिंग थी? अभी फिलहाल नहीं, फिरौती की कोई बात नहीं आई थी, लेकिन निश्चित तौर पर इसको बहला फुसला के अपने तक बुलवाया। सर, इसको साइबर क्राइम से जोड़ के देखा जा सकता है? नहीं, साइबर क्राइम नहीं है ये, बेसिकली एक जो तत्व अभी आजकल पैदा हो रहा है लोगों के दिल में कि नई उम्र के लड़के इस तरह के कृत्य करके अपने जो उनकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए कुछ कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, उसी तरह से ये गलत दिशा में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं ये लोग सर? ये दोनों लड़के जो हमने पकड़े हैं, जिसमें शिवम और विनय, इनका माइंडसेट क्रिमिनल है, आने वाले दिनों में अगर इनके ऊपर अंकुश नहीं लगता तो निश्चित तौर पर ये बड़ा क्राइम भी कर सकते हैं। फिलहाल नहीं पढ़ते, ये बच्चा पढ़ता है। ललितपुर से महेंद्र सिंह मुंदेला के साथ मनोज जैन की रिपोर्ट।